एक विलन का सीक्वल, एक विलन रिटर्न्स इज कमिंग. और ऑफ कोर्स अगर एक विलन का सीक्वल आ रहा है तो जो ओजी गाना है गलियां, उसका तो रिटर्न्स आना बनता है. और वो आया भी, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि आएगा ही. ट्रेलर में भी हमने देखा था कि हमें गलियां देखने मिला. सो काफी लंबे समय से इंतजार था कि आखिर गलिया रिटर्न्स कब आने वाला है. एंड फाइनली दैट सॉन्ग इज आउट राइट नाउ. आपको बता दे, नंबर 3 पे ट्रेंडिंग पे है म्यूजिक पे फिलहाल यूट्यूब पर. लेकिन ये गाना आखिर कैसा है, ये गाना सुनने के बाद क्या कुछ लग रहा, लोगों के भी ओपिनियंस आपको बताती हूँ, मेरे भी ओपिनियंस आपको बताती हूँ. आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक. वेल, सिद्धार्थ और श्रद्धा की जो केमिस्ट्री थी ना, लाइक इन द मूवी एक विलन प्लस द ब्यूटिफुल सॉन्ग, अंकित तिवारी अमेजिंग मैन. लाइक कोई कोई बीट ही नहीं कर सकता उस पर्सन को. एंड थैंकफुली गलिया रिटर्न्स में उन्हीं का हमने आवाज देखा सुना हुआ है. बट येस ऑफ कोर्स, जो केमिस्ट्री थी श्रद्धा और सिद्धार्थ की, उसको बीट करना मुश्किल नामुमकिन है. बट अगेन आई वुड से नाइस ट्राई, अच्छा है. 7 सालों के बाद फिर एक बार ये गाना अब हमारे म्यूजिक के प्लेलिस्ट में आना शुरू हो गया है. क्योंकि ऑफ कोर्स लेट्स फेस इट, वो गाना हम सुनते जरूर है लेकिन रेगुलर बेसिस पे सुनने वाले गाने को बहुत कम है. लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग कमिंग वर्जन, कहीं ना कहीं ये गाना फिर एक बार हमारे प्लेलिस्ट में आ जाएगा. उसी के साथ साथ पुराना वाला जो श्रद्धा सिद्धार्थ वाला है, वो गाना भी हमारे प्लेलिस्ट में आ जाएगा. सो यस, ये एक अच्छी साइड है, प्लस साइड है. बॉलीवुड में कई सारे गानों का रीमेक होते हैं, गानों की धजियां भी उड़ाई जाती है, कॉपीज होते हैं, एक के ऊपर एक रीमेक के ऊपर रीमेक छिपकाया जाता है, जिसकी वजह से कई सारे बॉलीवुड के गाने जो है अपना वो चार्म खो चुके हैं. और बॉलीवुड में कोई भी इंटरेस्टिंग गाना हार्डली बनता हुआ हमें नजर आ रहा है. लेकिन थैंकफुली एक विलन का ये जो गाना है गलियां रिटर्न्स, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि यार ये गाना क्यों बनाया. सुनने में काफी सूदिंग है, इवन दो द विजुअल्स वर वेरी डिफरेंट व्हाइल द वीडियो वाज बीइंग शोड. तो इस वक्त मैं बिल्कुल भी वीडियो की बात नहीं, मैं प्रॉपर ऑडियो की ही बात कर रही हूँ. सो यस, गाना बहुत ही अमेजिंग है, पसंद आया है. लेकिन ओरिजिनल को बीट करने वाला टाइप का गाना है क्या? जी नहीं, ओरिजिनल को नहीं बीट कर सकता. लेकिन हाँ, बॉलीवुड के कई सारे बाकी गानों को जरूर बीट कर सकता है, स्पेशली द वंस जो रीमेक के भरोसे बने हुए हैं. अगर ऑडियंस इसके रिएक्शन की बात करें, सो किसी का कहना है कि नए वर्जन का कोई अता पता नहीं है ओल्ड वर्जन के सामने. कोई कह रहा है कि आई थिंक ओरिजिनल गलिया को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. तो कोई कह रहा है सम सॉन्ग शुड लेफ्ट बी अनटच्ड, नहीं रिमेक करना चाहिए बट स्टिल गुड ट्राई. तो कोई कह रहा है ये गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पसंद आया, बट यस ओल्ड वाला गलिया इज वे बेटर. तो कोई कह रहा है गलिया बिल्कुल परफेक्ट है इस सीजन के लिए, मुझे पुराने गाने के फ्लैशबैक आ रहे हैं, बट गुड इंटू टू टाइम्स इस तरीके से कह रहे हैं. सो यस, मिक्स रिएक्शन है. लेकिन मैक्सिमम लोगों का वही सोच है जो मेरी तरह है कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, बट दिस वन इज नॉट बैड. क्या कुछ कहना है आपका कॉमेंट्स में बताना. आई सी यू गाइस सून.